हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एमकॉम कॉम सेमिस्टर्स टू एज पर दिन एनईपी 2020 तो एनईपी के बेसिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि सेमिस्टर टू में मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं कौन से इलेक्टिव कोर्सेज हैं कौन से मैंडेटरी कोर्सेज हैं और सबके क्रेडिट्स कितने हैं हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड लास्ट uh, में हम ओवरऑल आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको सेमेस्टर टू में प्रिपरेशन्स करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें बिकॉज अकाउंटेंसी टैक्सेशन कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं तो अगर हम सेमेस्टर वन की बात करें तो सेमिस्टर वन में ऑलरेडी आपने अपियर कर लिया है आपको कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स थे जैसे कि एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसके लिए फोर क्रेडिट्स था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन विच वाज इनकम टैक्स जिसके लिए फोर क्रेडिट्स था एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके लिए फोर क्रेडिट्स था एंड एक नया सब्जेक्ट आया था विच इज कॉल्ड एडवांस ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके लिए टू क्रेडिट्स था तो आपके ये ओवरऑल फोर सब्जेक्ट्स कंपलसरी थे देन यहाँ से एक रिसर्च मेथडोलॉजी था इलेक्टिव वन में और बाकी के ये जो इलेक्टिव थे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस फॉर कारपोरेट इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था एंड काफी सारे बच्चों ने ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था विच वॉज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट विच वॉज सिलेक्टेड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ओवरऑल आपका क्रेडिट जो था वो टोटल क्रेडिट था हमारा ट्वेंटी टू का ये था आपका सेमिस्टर वन uh, अगर हम ओवरऑल सेमिस्टर टू की बात करें तो सेमिस्टर टू के बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे सेमिस्टर टू जो है सेमिस्टर टू में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरऑल इजी सब्जेक्ट बट uh, थोड़े से आपको पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे ध्यान देने हैं वो भी मैं आपको डिटेल वीडियोस बनाऊंगा कि एग्जैक्टली exactly कौन से सब्जेक्ट्स में से क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज एन नया है एंड काफी सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होंगे सो ओवरऑल फर्स्ट जो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग अगेन वी हैव फोर क्रेडिट्स फॉर दिस सब्जेक्ट नेक्स्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस दैट विल बी ऑल्सो हैविंग फोर क्रेडिट्स देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट टैक्स लेकिन यहाँ पे आपको अभी जीएसटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो जैसे कि आपने फर्स्ट सेमिस्टर में डायरेक्ट uh, टैक्स के बारे में पढ़ लिया अभी आपको इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे जीएसटी आएगा देन द सब्जेक्ट इज अगेन सेम एडवांस ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग विच विल बी हैविंग टू क्रेडिट्स एंड ये जो अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट है इलेक्टिव उसमें आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडेशन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग ऑफ हाउसिंग सोसाइटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं अगर आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट्स लेंगे फिर उस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा जैसे लास्ट टाइम का जो वेल्थ मैनेजमेंट था या म्यूचुअल फंड था वैसे अभी ये ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आगे जाते हैं थोड़ा सा आगे सेम थ्री सेम फोर बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर हम सेमिस्टर टू की बात करें तो देखो सेमिस्टर टू जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है दैट इज एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोग्राम हमारा है अकाउंटेंसी कोर्स हंड्रेड मार्क्स है टोटल इस सब्जेक्ट के लिए एंड हंड्रेड मार्क्स में से फिफ्टी मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी असेसमेंट होगा मतलब फिफ्टी मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी पेपर सेट करेगा एंड फिफ्टी मार्क्स आपका कॉलेज असेसमेंट होगा जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स जिसमें आपके असाइनमेंट्स जिसमें आपके क्लास टेस्ट वो सारे कवर हो जाएंगे अगर हम मॉड्यूल वन की बात करें तो मॉड्यूल वन में सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर आपके टी वाई में भी था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे एडवांस रहेगा यहाँ पे आपको एक पॉइंट्स कवर करने हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोसेस इक्विवेलेंट प्रोसेस के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा एक दो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी टीवाई में कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपने पढ़ ली है बट लिटिल बिट एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा विच 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 इज कॉल्ड एस इक्वल प्रोसेस उसमें फिर फीफो एंड वेटेड एवरेज के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे जो यूनिट टू है आपका यूनिट टू विल बी कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट एलोकेशन भी आपने टीवाई में पढ़ा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स जो आप करते थे वो कॉस्ट एलोकेशन है लेकिन इसमें आपको एक नई चीज पढ़नी है विच इज कॉल्ड ए बी सी कॉस्टिंग विच इज कॉल्ड एस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको पढ़ना है उसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट कैल्कुलशन होते हैं कॉस्ट 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 ड्राइवर वगैरह वो सब आपको वहां पे आएंगे ड्राइवर्स दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो आपका मॉड्यूल टू है जिसके लिए दो क्रेडिट्स है उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग काफ़ी ईजी है कॉस्ट कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू सेंटर यहाँ पे आते हैं इसमें आर वगैरह के कैलकुलेशंस है uh, तो आर ओ है और रेसिडुअल इनकम अप्रोच करके uh, एक कंसेप्ट है तो वो भी आपको इस ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में पढ़ना है नेक्स्ट जो आपका यूनिट नंबर फोर आता है जिसमें कुछ uh, कैलकुलेटिव चीज़ें होती है जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइजिंग कैलकुलेट करना तो ट्रांसफर प्राइजिंग कॉस्ट बेस प्राइजिंग ऐसे सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी है एंड एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट तो ये ओवरऑल आपका पार्ट है उसके साथ एक छोटा सा पार्ट आता है टारगेट कॉस्टिंग का तो टारगेट कॉस्टिंग में भी छोटे से कैल्कुलेशंस है ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट uh, नहीं है एंड उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट uh, पार्ट आपको पूछा जाएगा विच इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा तो ये आपको ओवरऑल कॉस्टिंग में पढ़ना है एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस नया है इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एम कॉम वन या एम कॉम टू में पहले स्टूडेंट्स आइडॉल में पढ़ते थे कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर में पार्ट टू में पढ़ते थे वो सारे पॉइंट्स को अभी मिक्स कर दिया है तो आपको ओवरऑल मटीरियल्स uh, जो है कुछ आइडॉल का कुछ आपका पार्ट टू का ऐसे मटेरियल्स में से आपको ये चैप्टर्स जो है मिल पाएंगे बट आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है द रीजन इज वेरी सिंपल 50 मार्क्स इज कॉलेज असेसमेंट एंड 50 मार्क्स इज यूनिवर्सिटी असेसमेंट तो डायरेक्टली 100 मार्क्स का पेपर नहीं है ये जो 50 मार्क्स है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कॉलेज असेसमेंट्स में क्या क्या हो सकता है तो ये था हमारा फर्स्ट मैंनेडेटरी सब्जेक्ट कॉस्टिंग का सेकेंड जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट इफ यू सी द फर्स्ट सेमिस्टर वहां पर आपने क्या पढ़ लिया वहां पर आपने पढ़ लिया डायरेक्ट टैक्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में विच इज कॉल्ड एज जी एस टी ऑलरेडी यू नो आधा तो आपने पढ़ लिया है टीवाई बी कॉम में बहुत सारा पॉइंट्स था इससे रिलेटेड एंड टीवाई बी कॉम में तो आपको हंड्रेड मार्क्स का था यहाँ पे आपको क्या है यहाँ पे आपको हंड्रेड मार्क्स में से अगेन द कंसेप्ट इज सेम फिफ्टी मार्क्स यूनिवर्सिटी असाइनमेंट एंड द असेसमेंट एंड फिफ्टी मार्क्स इज कॉलेज असेसमेंट इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जी काफ़ी सिंपल है एक ओवरऑल फ्रेमवर्क के बारे में जो टी में था आपका वही है कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं सारे डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हैं देन आपको कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ना है सी जी एस टी एस जी एस टी टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ये सारी चीजें आपको पढ़नी है देन आपको पढ़ना है आई के बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसमें सेक्शन सिक्सटीन एन सेक्शन नाइनटीन कवर होंगे और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है अबाउट रजिस्ट्रेशन का तो काफी इजी सिलेबस है आधी चीजें तो ऑलरेडी पता है आधा पार्ट तो आपने ऑलरेडी इसमें से कवर अप कर लिया है टी में और अगर आपने पहले जीएसटी नहीं पढ़ा है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है काफ़ी इजी सिलेबस आपको जीएसटी में इस बार भी देखने मिल रहा है कुछ प्रोविजन्स uh, कुछ रूल्स चेंज होते हैं वो जैसे होंगे वैसे हम डिस्कस धीरे धीरे करेंगे तो ये आपका सेकेंड मैंडेटरी सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज जी एस टी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का सेकेंड पार्ट देन द थर्ड मैंडेटरी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज कॉरपोरेट फिनांस तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड ये भी नया नहीं है इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी कुछ कंसेप्ट आएंगे एंड कुछ चीज़ें आपके जो पार्ट टू की है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी तो यूनिट वन जो है यूनिट वन थोड़ा सा थियरटिकल पार्ट में कवर है उसमें फिर कुछ बॉन्ड्स के वेंचर कैपिटल फंड मेथड्स वगैरह वो सारी चीज़ें थियोरी है या आपका प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से चालू होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एनिविटी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऐसे सब प्रेजेंट वैल्यू Uh, उसमें कुछ टेक्निक्स uh, है डिस्काउंटिंग की तो वहाँ से आपको कैलकुलेशन के पॉइंट्स आएंगे देन वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन यील्ड मैच्योरिटी ये आपको कैलकुलेट करना है ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर से इसमें आपको रूल्स पता होंगे तो ही आप प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे देन द सेकेंड मॉड्यूल जो आपको पढ़ना है विच इज़ कॉल्ड एज द फाइनेंशियल एनालिसिस सिंपल नाम याद रखिए रेशो एनालिसिस सारे रेशो के फार्मूलाज आपको यहाँ पे याद रखने हैं जो आपने एस में पढ़ लिया था मैनेजमेंट अकाउंट्स में वो सारे यहाँ पे आएंगे और रेशोस कैलकुलेट करने हैं रिवर्स रेशोज कभी कभी आपको रेशोज़ दिए रहेंगे एंड उन रेशोज में से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ये सारे आपको चीज़ें इस यूनिट थ्री फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़नी है यूनिट फोर जो है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस फाइनेंशियल डिसीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना है जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ऐप का वो डाउनलोड कर ले फ्री में काफी सारी चीजें हैं उसमें फ्री में आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगी तो ऐप डाउनलोड कर ले लॉस तो कुछ भी नहीं है लेकिन आपको उसमें से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसमें सारे पीडीएफ वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूँ तो अकॉर्डिंगली वो भी आप प्रॉपरली चेक कर पाएंगे नेक्स्ट जो है आपका दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीशन तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको डिसीशन देने हैं कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है डेट और इक्विटी का कि डेट इक्विटी प्रेफरेंस का ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये भी हम एक प्रॉपर में डिस्कशन में कर लेंगे फिर कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज है बहुत सारी थियरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर की फिर डिविडेंड पॉलिसीज वगैरह है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो दिस इज ओवरऑल द सिलेबस ऑफ कॉरपोरेट फिनेंस विच इज ऑल्सो अ मैंडेटरी टॉपिक देन द मैंडेटरी नंबर फोर इज एडवांस ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग आपने सेमेस्टर वन में एडवांस ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग वन पढ़ लिया था अभी आपका रहेगा एडवांस ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग टू का इसमें भी सेम कंसेप्ट है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये फिफ्टी मार्क्स का ही है आपने प्रीवियस जो सब्जेक्ट अभी देखे वो हंड्रेड मार्क्स के थे तो फिफ्टी मार्क्स में से भी इन्होंने आधा आधा कर दिया है यूनिवर्सिटी uh, असेसमेंट है ट्वेंटी फाइव एंड कॉलेज असेसमेंट आपका होगा ट्वेंटी फाइव तो ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट काफी सिंपल ट्रायल बैलेंस क्या है फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखो यहां पे भी आए जीएसटी अबाउट जीएसटी एंड जीएसटी के टैक्स एंड इन्वॉइसिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इजी तो आपने वहां पर जीएसटी पढ़ लिया है तो यूनिट टू तो आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है वही पार्ट इधर कवर होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज एक्टिवेटिंग जीएसटी मास्टर्स इन टैली वगैरह ये सब थोड़ा सा डिटेल आएगा वहां पर लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट तो आपका सेम रहेगा तो दीज आर द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर एम कॉम सेमिस्टर एस पर दी ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है फिर कैपिटल रिस्क मार्केट रिस्क उसके बारे में होगा फिर कुछ बॉन्ड के बारे में होगा डेरिवेटिव होगा फॉरवर्ड होगा फ्यूचर होगा ऑप्शन होगा हेजिंग हम कैसे कर सकते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी फिर क्रेडिट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे होगी फिर रिस्क uh, मेशरमेंट के ऊपर काफ़ी सारे सिमुलेशंस uh, होते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे होगा ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पर लीनियर वैल्यू एट रिस्क है मोन्टी कार्लो सिम्यूलेशनस है ऐसे कुछ चीज़ें हैं एंड ऑप्शन वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ऑप्शन में थीटा जो होता है थीटा ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है उसमें आप जब पढ़ोगे तो अब आप आपको थोड़ा डिटेल पता चलेगा थीटा वेगा गा गामा रो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस के पॉइंट्स uh, को कैलकुलेट कैसे किया जाता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल विच इज कॉल्ड आर ए आर ओ सी फिर बीटा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कैसे करते हैं तो थोड़े से आपके लिए नए नए वर्ड्स में बोल रहा हूं तो जैसे आप इन सभी चीजों को पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू सो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट कॉल्ड एस रिस्क मैनेजमेंट देन द सेकेंड सब्जेक्ट बिकम्स लिक्विडी लिक्विडेशन अकाउंटिंग मतलब ये आप आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट नहीं लेना है तो अब आप लिक्विडेशन अकाउंटिंग को ले सकेंगे सिमिलर कंसेप्ट है तो लिक्विडेशन कैसे होता है टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन उसका एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है uh, uh, तो वो फ्रेमवर्क क्या है लीगल फ्रेमवर्क frame क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कैसे होता है वो तो फ्रेमवर्क उसके अंदर ही होगा बिकॉज आपने ये चैप्टर ऑलरेडी टीवाई में लिक्विडेशन करके पढ़ा है तो उसमें फिर लिक्विडेशन जो आ, लि, आप करने वाला बंदा है उसको हम कहते हैं लिक्विडेटर तो हम उसको किस तरीके से अपॉइंट करते हैं उसके अपॉइंटमेंट के क्या प्रोसीजर्स होते हैं ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगी मतलब एक ओवरऑल लिक्विडेशन की स्टार्टिंग uh, पॉइंट uh, से लेके एंडिंग पॉइंट तक सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी मिलेगी दैट विल बी द पार्ट एज सब्जेक्ट कॉल्ड एज लिक्विडेशन अकाउंटिंग उसके बाद आपका इलेक्ट्रिव इलेक्टिव थ्री जो है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ हाउसिंग सोसाइटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तो हाउसिंग सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट की अगर अकाउंटिंग आपको सीखनी है तो ये इलेक्टिव में आप ले सकते हैं इसमें पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका फॉर्म उसके सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी और उसका सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिया रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी सब्जेक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है उसके ट्रस्ट के डेफिनेशन उसका ओवरऑल एक्यूमलेशन ऑफ इनकम उसका अकाउंटिंग कैसे होता है जैसे कि क्लब्स है हॉस्पिटल्स है लाइब्रेरीज है ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ने मिलेगा तो दिस इज दी ओवरऑल पार्ट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स एज कंसर्न तो अगर हम कैलकुलेशन uh, देखें कि 50 मार्क्स जो कॉलेज असेसमेंट है एंड 50 मार्क्स जो आपका यूनिवर्सिटी असेसमेंट है उसके बाइफर्केशंस कैसे हैं देखो सबसे पहले अगर हम बाइफर्केशंस की बात करें तो क्लास टेस्ट जो है वो आपका बीस मार्क्स का क्लास टेस्ट दिया है देन आपका है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाइवा असाइनमेंट केस स्टडी इसमें से कुछ भी लिया जा सकता है प्रोजेक्ट भी लिया जा सकता है वाइवा लिया जा सकता है असाइनमेंट लिया जा सकता है केस स्टडी के ऊपर आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है इसके लिए दे हैव अलॉटेड ट्वेंटी मार्क्स एंड बाकी आपका दस मार्क जो है वो आपके पूरे के पूरे एक्टिव पार्टिसिपेशन पे आपका कॉलेज में अटेंडेंस आपका ओवरऑल किस तरीके से आप आ, सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके लिए अल अलग से दस मार्क दिए है तो ऐसे ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी मार्क्स का आपका कॉलेज असेसमेंट इस बार भी होने वाला है अगर हम सेमिस्टर एग्जामिनेशन की बात करें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा तो आपको यूनिट वन में से फोर्टीन मार्क्स का सिलेबस आएगा यूनिट टू में से ट्वेल्व मार्क्स का सिलेबस आएगा यूनिट थ्री में से भी ट्वेल्व मार्क्स का सिलेबस आएगा एंड यूनिट फोर जो है उसमें से आपको वन आउट ऑफ टू करके नोट्स आएंगे एंड दैट विल बी अगेन ट्वेल्व मार्क्स ऐसे करके पूरा का पूरा ये जो है फिफ्टी मार्क्स में डिवाइड किया तो दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एंड फॉर बोला है फॉर थियरी सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पर यूनिट में भी सब डिवाइडेड इनटू फोर मार्क्स ईच फ्राम सब मॉड्यूल्स तो थियोरी सब्जेक्ट्स रहेगा तो क्वेश्चन डिवाइड हो सकते हैं अगर हम अभी ओवरऑल जो छोटे सब्जेक्ट्स है जैसे कि वो अकाउंटिंग वाला था अकाउंटिंग ट्रेंड वाला सब्जेक्ट जो था वो वो ओवरऑल फिफ्टी मार्क्स का है तो उसमें अगर हम इंटरनल्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा इंटरनल्स अलग है बिकॉज उसमें दो ही क्रेडिट्स है तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का उसमें इंटरनल्स है एंड ट्वेंटी फाइव मार्क्स विल बी फॉर कॉलेज असेसमेंट ट्वेंटी फाइव मार्क्स विल बी फॉर यूनिवर्सिटी असेसमेंट तो उसमें क्लास टेस्ट होगा दस मार्क्स का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाइवा के स्टडी दस मार्क्स का एंड आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए वहाँ पे फाइव मार्क्स दिए हैं सिमिलरली आपके जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर आएगा उसमें आपका सॉल्व वन आउट ऑफ टू मतलब दो में से एक सॉल्व करना है थर्टीन मार्क्स के लिए सिमिलरली आपको सेकेंड में भी ट्वेल्व मार्क्स के लिए uh, तो ओवरऑल ऐसे आपके ट्वेंटी फाइव मार्क्स यूनिवर्सिटी की तरफ से कवर होंगे यूनिवर्सिटी के ट्वेंटी फाइव मार्क्स हमारे कॉलेज असेसमेंट के ट्वेंटी फाइव मार्क्स ऐसे मिला कि आपके फिफ्टी मार्क्स कवर होंगे दिस विल बी फॉर दिस विल बी फॉर एडवांस फ्रेंड्स इन अकाउंटिंग फिर ओवरऑल अगर बाकी सारी चीज़ों को हम एक साथ कर ले ट्वेंटी फाइव मार्क्स ट्वेंटी फाइव मार्क्स इंटरनल पेपर ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया है तो इस तरीके से पेपर पैटर्न आपका होगा एंड अकॉर्डिंगली आपके पूरे फिफ्टी मार्क्स कवर होंगे सब कुछ यहाँ पे दिया है एंड ग्रेड पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आपको किस तरीके से सी रहेगा तो क्या ग्रेड मिलेगा तो ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं आई होप कि uh, आपको ये वीडियोस में से सारी चीज़ें समझ में आई है कि किस तरीके से आपके अभी सेमेस्टर टू के सब्जेक्ट्स होंगे ऐसे ही हम सेमेस्टर थ्री और फोर के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं एंड आपको सेमेस्टर टू के बारे में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोज जो है वो आपको इस चैनल पे रेगुलर बेस पे मिलते रहेंगे और उतने बेस पे भी अगर आप रिवीजन प्रॉपर करते हो तो आपको ये पासिंग जो डर रखता है लोगों को कि मैं किस तरीके से पास होऊंगा तो आप पास हो पाएंगे एंड लास्ट मिनट रिवीजन का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसमें से हो सकता है तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय